Hey guys, what's up? आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। जो आज हमारी होने वाली गाड़ी भाई वो होगी हमारी ब्लैक कलर में टॉप मॉडल वरना 2023 1.5 टर्बो SX ऑप्शनल जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में है। 6 स्पीड के इसमें आपको गेयरबॉक्स मिल जाएगा और देखो क्या ब्लैक कलर में कितनी बेहतरीन लग रही है भाई गाड़ी, कितनी ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया अमेजिंग लुक आ रही है। बाकी फ्रंट से तो ये होगी लुक, बाकी मैं इसको साइड से भी आपको बता देता हूँ। अब जो साइड से इसके सेगमेंट हो गए हैं ना, स्लाविया, वर्तुस, आपकी होंडा सिटी, सियाज, उन सबसे हो गई है गाड़ी बहुत बड़ी, ठीक है। हर में पहले इसमें आपको 2650 का व्हील बेस मिलता था, वो कहीं ना कहीं 2670 का हो गया, ठीक है। एंड ये हो गई हमारी रियर की लुक, गाड़ी बहुत ज़बरदस्त बना दी है और इतनी स्पोर्टी बना दी है कि आप देखिए, आप जो भी देखो, आप देखेंगे ना पीछे जो भी ह्यूंडई अपना रियर के टेल लैम्प दे रहा है, कनेक्टेड दे रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे अपने वेन्यू में भी, आप देखेंगे नियोस में देखेंगे, वरना हो गई और जो भी उसकी अपकमिंग गाड़ी आ रही है, तो उनका जो रियर का लुक है ना, वो टेल लैम्प सारी कनेक्टेड है। उससे पहले भी आप इसकी देखिए कि इसमें आपको मिल जाता है बड़ी ही प्रीमियम की देखने को मिलती है ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर की गाड़ी और ब्लैक कलर की बहुत अच्छी। इसमें आपको लॉक, अनलॉक, बूट का ओपन, होल्ड करने का ऑप्शन और होल्ड, इससे गाड़ी आपकी हो जाएगी स्टार्ट और एक्स्ट्रा की आपको मिल जाएगी नीचे। तो यार है नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी, ठीक है। इसके मैं एक बार आपको फ्रंट के DRLs और ऑन करके दिखाता हूँ। देखो यार दिख रहे होंगे बट दिन में इतनी विजिबिलिटी नहीं है। तो यार ये सारी आपको बड़ी सी ह्यूज DRL मिल जाती है, बहुत बड़ी सी। एंड नीचे आपको यहाँ पे 4 LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, सारे के सारे LED हैं। नीचे आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको नहीं मिलता, और यहाँ पे मिल जाते हैं फ्रंट में आपको चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको ये एडास भी इस गाड़ी में आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखिए विंडशील्ड में एडास में भी, इसमें आपको एडास के भी अंदर सब कैटेगरीज के वो सारे फंक्शंस होते हैं, वो भी इसमें आपको 4-5 एडास के बहुत अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं। और आप देखो पहले ह्यूंडई का लोगो एंड कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं कि अब जैसे कि बाहर है तो उसी के अंदर ही हमें मिल रहा है, जिससे कि अब हमारे लोगो पे कोई भी जैसे होता है ना जंग वगैरह लग जाता है वो ना लगे, तो बहुत चीज़ें हैं यार। एंड अगर आप इसके नीचे देखेंगे ग्रिल, तो पैरामेट्रिक हमें जो है ज्वेलरी ग्रिल टाइप हमें इसका जो डिज़ाइन दे रखा है वो दे रखा है। ग्रिल बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। नीचे आप देखोगे स्किड प्लेट एक फ्रंट से आ रही है ना, बहुत ज़बरदस्त लुक गाड़ी की। इसमें अगर आप मैं बात करूँ, आपको यहाँ पर जो इसके वाइपर्स मिल जाते हैं वो आपको इसमें रेगुलर वाइपर मिल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया गाड़ी लग रही है यार फ्रंट से, तो बहुत ही अच्छा। काफ़ी लोगों को शायद ये है कि पुरानी जो हमारी फ्लूटिक वरना थी उसके कंपैरिजन में जो अभी आई है थोड़ा सा कोई हर, देखो यार हर किसी की ओपिनियन होती है, पर्सनली मेरा ओपिनियन तो ये है, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी। एक स्पोर्टी लुक जो करेक्टर आना चाहिए रोड प्रेजेंस पे, वो बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी आप देखेंगे इसकी करेक्टर लाइन्स देखेंगे, बड़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है गाड़ी, कि जैसे कि कोई आने वाले जो अपकमिंग 2023 में आना चाहिए था वो गाड़ी आ चुकी है, तो वो वाली ये चीज़ फील करा रही है। हमारी रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है गाड़ी की। बाकी इसकी अब मैं आपको वेट बताऊं तो इसकी वेट हो जाती है सब हमारे इस सेगमेंट में सबसे चौड़ी, 1765 mm की इसमें आपको वेट मिल जाती है, ठीक है। और अगर इसकी मैं साइड की प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें जो आपको व्हील बेस मिल जाता है, आपको पहले मिलता था 2650 का, अब मिल जाता है 2670 mm का व्हील बेस, 20 mm थोड़ा बढ़ा दिया, तो आप सोच सकते हैं कि अंदर आपको स्पेस, बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा इस गाड़ी में। एंड इसकी जो आपको मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं, 165 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस वरना का बढ़ सकता था बट कोई इशू नहीं है, लेंथ वाइज और बाकी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है, तो 165 mm इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। 1475 की इसमें आपको हाइट मिल जाएगी और जो इसकी लेंथ मिल जाएगी ना, वो आपको मिल जाएगी 4575 mm की। लेंथ में भी बहुत अच्छी खासी है, वेट और व्हील बेस तो बढ़ा ही दिया है गाड़ी का। बाकी अब इसके मैं आपको फ्रंट के बताऊं तो इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद अ रेड कैलिपर, एंड ये भी आपको पूरा ही ग्लॉसी में मिल जाता है। और फ्रंट का जो फ्रंट का जो सस्पेंशन रहेगा रहेगा मैकफेरसन का, प्लस ये जो है हमारी टायर प्रोफाइल 205/55R16। एंड रियर में हमें इसके ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और सस्पेंशन ट्रैवल इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। तो इसमें आपको एक तो स्पेस भी बढ़ा दी और सस्पेंशन ट्रैवल भी गाड़ी का अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बिफोर। यहाँ पे हो गई हमारी फ्यूल कैप, एंड जो इसके अब डोर हैंडल्स आ जाते हैं वो आप जा जाते हैं आपको सिल्वर साटन में बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ, और जो बेल्ट लाइन है वो भी आपको सिल्वर साटन फिनिशिंग में मिल जाएगी। और पीछे जाके ऐसे कर्व कर दिया विंग्स टाइप में, पहले यहाँ पे क्वार्टर ग्लास आता था, वो क्वार्टर ग्लास नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से अब जो आपको व्हील बेस हो गया बड़ा हो गया, तो अंदर से क्वार्टर ग्लास की आपको यहाँ पे कोई नीड पड़ेगी नहीं। बाकी आपके हो गए बॉडी कलर में ही ORVM विद अ टर्न इंडिकेटर, नीचे कुछ आपको पेडल जैसा देखने को नहीं मिलता। एंड इसमें एक चीज़ और हो सकती थी यार जो मैं अब फील कर पा रहा हूँ, एक 360 डिग्री और कैमरा हो जाता ना तो बहुत ही बढ़िया, और वैसे तो बहुत फीचर इसमें एड ऑन कर दिए बट 360 डिग्री का और कैमरा का फीचर आ जाता बहुत बढ़िया हो जाती भाई गाड़ी। बाकी ये है भाई रियर लुक जो कि आती है भाई BMW, Mercedes, Audi जो हमारे लग्जरियस ब्रांड होते हैं उन जैसे लुक आ रही है। पीछे आपका ह्यूंडई का लोगो, वरना की बैजिंग, 1.5 टर्बो चार्जर है इसका इंजन, एंड ये देख रहे हो आप क्या कनेक्टेड या इतनी लंबी टेल लैम्प जो आ रही हैं बहुत ज़बरदस्त। अभी ये चली जल रही हैं बट क्या है ना कि अभी दिन में इतना इनका व्यू नहीं पता लग पा रहा और रात में पता लगेगा। एंड इसके साथ साथ ना यहाँ पे आपको ये जो दे रखे हैं ये ऐसी शो के लिए दे रखे भाई, ये भी जलते हैं, ठीक है। तो जब रात में जो इसकी विजिबिलिटी आएगी ना यार बहुत ही अच्छी आएगी। एंड ये आपका हो गया
टर्न इंडिकेटर पीछे और ये रिवर्स लैंप पीछे आपके हो गए सारे चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स का कैमरा यहाँ मिल जाता है आपको, एंड ये हो गया आपका नीचे का कुछ ग्राउंड क्लियरेंस की बात ऐसी, और एक एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है, हाई माउंट सॉफ्ट लैम्प, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना ब्लैक कलर में मिल जाता है आपको ग्लॉसी में, ठीक है। आर्यन ये बहुत शानदार लुक है, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी गाड़ी बना दी है, बहुत ही अच्छी न्यू जैसे फ्यूचरिस्टिक होती है भाई। ये हमारा रिक्वेस्ट सेंसर, इससे बूट हो जाएगा हमारा अनलॉक, एंड देखो यार क्या ही बढ़िया, और बूट स्पेस भी बहुत एनहेंस कर दिया यार, ठीक है। एंड ये आपका हो गया लगेज लैंप यहाँ, एंड आपको जिसमें बूट स्पेस मिल जाता है आपको मिलता है 528 लीटर का बूट स्पेस, मतलब भाई मेरी हाइट 6 फीट है, मैं भी इजीली यहाँ पे आराम से बैठ सकता हूँ, बट इतनी देर के लिए नहीं, बट हाँ जा तो सकता हूँ भाई, इतना अच्छा खासा इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। बाकी 50-50 इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट नहीं मिलती, एंड स्पेयर व्हील हो जाएगा आपका यहाँ, जो कि आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15 इंच का, 1 इंच कम, जो कि रेगुलर हर गाड़ी में आते जाता है। तो ये है भाई बाहर की पूरी आपकी गाड़ी का की कहानी ऐसी, ठीक है। ब्लैक कलर है हमारा, एंड आप देख सकते हैं भाई डायमेंशन वाइज हो इस गाड़ी ने अब सबको ही पीछे कर दिया। पहले पिछले साल लास्ट ईयर फॉक्सवैगन की वर्तुस लॉन्च हुई थी, उसने डायमेंशंस में कमाल दिखाया था, अब इसने डायमेंशन में कमाल दिखा दिया, लेंथ बढ़ा के, अपना व्हील बेस बढ़ाकर, एंड वेट बढ़ाकर, जो कि अब ये अपने सेगमेंट में सबसे ही लंबी चौड़ी गाड़ी हो जाती है। और लुक्स तो यार पूछो ही मत, लुक्स तो कातिलाना किलर है एकदम, जो रोड प्रेजेंस आने वाला है बहुत ही तगड़ा आने वाला है। उससे पहले मैंने फ्रंट की तो आपसे बात करी करी थी, बाकी इसके आप साइड की कैरेक्टर लाइंस देखो, है नहीं एरोडायनामिक, मतलब ऐसे ही जैसे कि इसमें यार आपका ना कैरेक्टर लाइंस भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपका स्पीड पर, आपका एवरेज पर, कि एयर को कैसे कट कर रही है, तो उस पर भी डिपेंड बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो कैरेक्टर लाइंस बहुत अच्छी लगी मुझे इस गाड़ी की, ठीक है। बाकी आपका हो गया एडास यहाँ पे, एंड ए पिलर और बी पिलर जो मिलेंगे आपको इसके पूरे ब्लैक आउट मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर्स, ये सिर्फ आपको यहाँ पे ड्राइवर सीट मिलता है, को पैसेंजर सीट नहीं मिलता है ना। आई होप अब बाहर से बहुत सारी बातें हमारी हो चुकी हैं, अब चलते हैं अंदर एक बार गाड़ी के। तो यार ये है कुछ अंदर का लुक ऐसा, पूरी की पूरी हमारी गाड़ी अंदर से इंटीरियर में अब चेंज हो गई है, और जो हमारा इसका डोर है ना पूरा का पूरा हम 90 डिग्री ओपन कर सकते हैं, बहुत ही वाइड डोर ओपन होता है और इजीली जो ड्राइवर है ना इजीली एक्सेस कर सकता है। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और करते हैं डोर, डोर थर्ड भी हम सुनते हैं, तो डोर थर्ड इज़ गुड, एंड ये है कुछ कहानी ऐसी अंदर से हमारी। अब आप देखेंगे ना जैसे कि आपका i20 में वेन्यू में जो एनलाइन का मॉडल आता है तो उसमें आपको यहाँ पे कुछ रेड कलर के एलिमेंट्स दिखते हैं, तो इसी में ही आपको ये वरना के टॉप मॉडल में दिख जाते हैं। ऐसे मैनुअल ट्रांसमिशन है, इस ऊपर एक हमारा आता है ऑटोमेटिक DCT, एंड तो लग नहीं रहा यार क्लासिक एकदम हमारा ये जो इसका है पूरा डैशबोर्ड क्लस्टर से लेके आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लीजिए। पहले तो अब इसमें हमें आता था अलग अलग, हमारा जो हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता था और इंफोटेनमेंट सिस्टम होता था अलग आता था, बट ये कर दिया अब कंबाइन, बस बीच में इस पे है गैप है, ठीक है। तो ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25 इंचेस का, सेम हमारा क्लस्टर भी 10.25 इंचेस का हमें इसमें देखने को मिल जाता है। टू स्पोक्स व्हील्स हमें इसमें मिल जाता है, यहाँ से बस आपको एक स्टीयरिंग जो लगेगा एक बिल्कुल यहाँ से आप बहुत कंफर्टेबल होकर गाड़ी चला सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं, पहले जो यहाँ के मोड से और ये वाले मोड से दोनों इंटरचेंज कर दिए, क्रूज कंट्रोल और आपको जो क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो आपको इस साइड में मिलती थी, अब वो दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। तो भाई ये है, अब जैसे हमारा वेन्यू क्लस्टर आ रहा है ना तो उसमें ऐसी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी कैसे चेंज होगी, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिल जाते हैं, इको, स्पोर्ट मोड, नॉर्मल मोड। स्पोर्ट मोड में तो भाई बहुत ही मतलब पूछ लो कि ऐसे गाड़ी भागती है, मैंने खुद अभी ये फील करी है, बहुत तगड़ा पिकअप है गाड़ी का। अभी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, बाकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो लीवर मिलता है आपको मिलता है वाइपर्स का, और राइट में आपको मिल जाता है यहाँ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का। साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है पुश बटन, एंड यहाँ पे आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑफ और हेडलैम्प्स इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन, एंड ये सारे ऑल फोर आपके पावर विंडोज, ये वन टच अप एंड वन टच डाउन, और यहाँ पे आपको एंटी पिंच का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये और भी आपके फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए लॉक और अनलॉक और एडजस्टमेंट हो गई आपकी। नीचे आपको जो इसके लीवर मिल जाएंगे क्लच ब्रेक एंड आपका ये मिल जाएगा आपको RPM का, जिसमें कि यहाँ पे आपको ये देखेंगे ना ये भी मेटल फिनिश में दे रखी है, और यहाँ पे बीच में जो ब्लैक कलर के दे रखे हैं जिससे कि आपकी ग्रिप अच्छी रहे उसके लिए दे रखा है। साइड में आपका यहाँ हो जाता है डेड पेडल, ठीक है। एंड ये जो आपके क्लस्टर है इसमें सब आपको मिल जाता है, आप किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं। TPMS आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा एडास का फीचर, लेन असिस्ट हमें जो इसमें मिल जाता है जो कि आपको XUV 700 में मिलता था। उसके साथ साथ जो हमें मिल जाता है वो हमें मिल जाता है यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे ORVM पे ना ये जो ट्रायंगल का सीन आ रहा है, अगर पीछे से कोई भी गाड़ी आ रही होगी तो उसको हमें बता देगा कि अभी आप डोर ना खोलो, एग्जिट वार्निंग हमें दे देगा, और अगर हम रिवर्स कर रहे होंगे तो उसका भी हमें ब्लाइंड स्पॉट व्यू बता देगा कि यहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा फिर चलते हो। तो ये हमारे एडास का फीचर है, दो फीचर ये हो गए, और एडास का तीसरा फीचर ये हो गया हमारे लेन असिस्ट वाला। चौथा फीचर हमें एडास से मिल जाता है, वो हमें मिल जाता है भाई स्पीड सेंसिंग का, अगर कोई भी बाहर आगे की गाड़ी कोई ब्रेक नहीं ले पा रही है और
और उन्होंने एकदम ब्रेक अप्लाई कर दी और हमने ब्रेक नहीं अपने अप्लाई करे तो ऑटोमेटिकली इसमें आपके ब्रेक अप्लाइड हो जाएंगे। तो ये एडास के बहुत अच्छे अच्छे फीचर इसमें हैं, सेफ्टी फीचर जिसे हम कह सकते हैं। बाकी आपका हो गया पूरा का पूरा डैशबोर्ड का व्यू, यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो आयरवी और यहाँ पे टेलीमेटिक आपको सारे फीचर मिल जाते हैं, ब्लू लिंक का और आपका सॉस, एंड यहाँ पे आपको अगर कहीं भी गाड़ी आपको खराब हो जाती है तो ये आपको टो करके ले जाएगी गाड़ी। एंड यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस लाइक इंटीग्रेटेड टू डी ऑडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार्ड प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब चीज़ आपको बहुत सारे फीचर्स, नेविगेशन, सब चीज़ में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड इससे नीचे आपको मिल जाती है पार्किंग हजार लाइट। एंड यहाँ पे ना आपका ये दिखेगा कि एसी बहुत बड़ा एसी एसी इवेंट है, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपका ट्यूसोन में जो कि डिफ्यूज का ऑप्शन आता है, अगर यहाँ पे डिफ्यूज कॉर मिल जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता। ये आपकी सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है आपको इसमें, एंड ये आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जिसमें कि आपको एक नॉर्मल चीज़ देखने को लगेगी कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में होता है, जो इसमें चेंज किया गया है वो चेंज किया गया है कि अगर हम स्विच ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे मोड आ जाएंगे, कि नेविगेशन हो गया, आपको मोड चेंज करना है प्रीवियस और सी का, सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें एक फीचर जो किया हुआ है, एक नया ऐड ऑन किया हुआ है हमारे, इसमें कूल और हॉट वेंटिलेटेड सीट मिल जाएंगे, कूल के लिए ये, हॉट के लिए, ठीक है। नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड ये आपका पार्किंग सेंसर्स, अगर कोई भी गाड़ी आगे चल रही है तो उसको टू टू करने लग जाएगी। ये आपका हो गया पार्क रिवर्स कैमरा, कैमरे की क्वालिटी आपको ऐसे मिलेगी, कैमरे क्वालिटी अच्छी है बट अल्काज़ार से कंपैरिजन करेंगे तो अल्काज़ार की तो बहुत अच्छी है, ठीक है। ड्राइव की ट्रांसमिशन आपको इसमें मिल जाता है गेयरबॉक्स, जिसमें कि 6 स्पीड आप गेयरबॉक्स मिल जाते हैं, और ये देखेंगे ना परेड कलर से स्टिचिंग कर रखी है, तो जैसे एन लाइन में आता है भाई, थोड़ा सा स्पोर्टियर लुक दिया गया इसको इस गाड़ी में। ये आपका हो गया ग्लोव कंपार्टमेंट, कूल ग्लोव बॉक्स में आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपकी हो गई रूफ लैंप जो कि एलईडी में आती है, एंड ये आपका हो गया सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनरूफ में आपको मिल जाएगा छोटा सा, सनशेड विद अ वैनिटी मिरर, लाइट के साथ नहीं आता और इसमें भी आपको वैनिटी मिरर के साथ मिल जाएगा। अभी जैसे अभी ये पार्किंग से टू टू करने लगे, हमारे भाई गए यहाँ से साइड से निकल के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैंड ब्रेक, यहाँ नीचे टू कप होल्डर, आर्म रेस्ट स्लाइडिंग वाला मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको मिल जाएगी कुछ स्टोरेज बहुत बढ़िया सी, अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी का, ठीक है। 6 feet की हाइट है मेरी, मैंने सबसे पीछे कर रखी है अपनी ये सीट, उसके बावजूद अभी मैं आपको दिखाऊंगा मुझे कि पीछे कितना अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है देखने को। और हाँ, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है आपके यहाँ पे आर्म रेस्ट में, बाकी सारा आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। जो इसका लेआउट है ना यार, जो इसका डैशबोर्ड का लेआउट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं ये कहता था कि टाटा की जो गाड़ियां हैं वहाँ पे ना, जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का है, उनका विंडशील्ड से यहाँ पे सामने प्लेसमेंट रहता है, बट इसका जो भी प्लेसमेंट करा ना, ये भी विंडशील्ड के सामने है, बट मेरी जो आगे की विजिबिलिटी है ना, मेरी जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखोगे विंडशील्ड की जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी है, ये मुझे बिल्कुल भी, मतलब जैसा होता है ना कि वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, इतनी अच्छी मुझे इसमें विंडशील्ड की विजिबिलिटी प्रॉपर मिल पा रही है। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम मैं कहूँगा बड़ा डिसेंटली जगह प्लेस करा हुआ है, इसी साइड में भी लेकिन डिसेंट तरीके से उसको प्लेस कर दिया। तो अब आ रही है ना लुक गाड़ी की बहुत बढ़िया वरना की। बाकी हाँ, इसमें एक चीज़ और, इसमें आपको एक यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट और फास्ट चार्जिंग का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अब हम चलते हैं रियर सीट में, देखते हैं कि हमें उसमें आपको एक कैसा स्पेस दिया गया गाड़ी में। तो भाई ये हो गई हमारी रियर की कहानी कुछ ऐसी, ठीक है। 6 feet की सीट मेरी आगे पूरी एडजस्ट थी, उसके बाद भी देखो क्या लेग रूम बच रहा है भाई, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस वही है ना, व्हील बेस बढ़ा दी, अंदर स्पेशियस कर दी गाड़ी। बाकी आप एम्बियंस देखो गाड़ी का, एम्बियंस बहुत एंजॉय करोगे। ये हो गई हमारी आगे की कहानी कुछ ऐसी, लग रही है ना लग्जूरियस एकदम। पीछे में मिल जाता है रियर का एसी वेंट, ये बीच में आपका हो गया हम्प, हम थोड़ा इसमें ऊंचा मिल जाएगा आपको। 2 यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, एंड यहाँ पे कुछ स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपके हेडरेस्ट मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे हाइट एडजस्टमेंट वाले, ये आपके पीछे मिल जाएंगे ग्रैब हैंडल्स, एंड सेम आपको यहाँ पे भी पीछे के हाइट एडजस्टमेंट वाले आपको यहाँ पे हेडरेस मिल जाएंगे, और पीछे आपको मिल जाएगा ब्लाइंड व्यू का ऑप्शन, नेट सनसेट कह सकते हैं आप इसको या ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड व्यू कह सकते हैं। तो ये पीछे का आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बड़ी बड़ी गाड़ी में लग्जरीज ब्रांड में मिलता था। अब मैं इसकी बात करूं आपको हेड स्पेस की यार, तो हेड स्पेस देखो, मुझे हेड रूम भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। तो बाकी भाई अब मैं इसमें आपको बताता हूँ हमारी वर्ना 2023 हमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या देती है। हमें मिल जाते हैं इसमें ABS विद EBD मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ठीक है। ऑटो हमें जो है वो IRVM मिल जाता है बढ़िया सा, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, इंजन मोबिलाइजर मिल जाता है, क्रैश सेंसर्स मिल जाता है, एडास के फीचर हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हमें देखने को मिल जाता है इसमें, और रियर का कैमरा, आइसोफिक्स सीट्स, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, देख रहे हो कितने सारे इसमें हमें यार फीचर देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और एडास का अगर फीचर इसमें लगा जाए तो सेफ्टी तो वैसी बढ़ जाती है इस गाड़ी में, तो सेफ्टी फीचर्स तो हमें इसमें बहुत भर भर के मिलते हैं। बाकी टोटल 6 एयरबैग्स में हमें मिल जाते हैं, और 10.25 का इंचेस का हमें इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें कि हमें इसमें 8 स्पीकर मिलते हैं, और जो हमें स्पीकर मिलते हैं हमें मिल जाते हैं इसमें बॉस के, सारे के सारे ना हमें इसमें बॉस के स्पीकर मिलते हैं, बॉस के मैंने अल्काज़ार में खुद फील किया है, तो उसमें जो हमें स्पीकर मिलते हैं बहुत ही, जो साउंड क्वालिटी होगी बहुत बढ़िया होगी, बहुत बेहतरीन। ठीक, बात करते हैं हम जरा इंजन स्पेसिफिकेशन की।
तो यार ये इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन ऐसे इसमें हमें मिल जाता है 1.5 सीसी का इंजन, 1500 सीसी का इसमें इंजन मिल जाता है टर्बो चार्जर के साथ, एबीएस विद ईबीडी की यूनिट यू लगी है जिसमें कि हमें मिलता है 150 बीएचपी निकालती है विद 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, चार सिलेंडर मिल जाते हैं, फ्यूल टाइप जो हमें इसमें मिलता है पेट्रोल का, एंड जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है वो मिल जाती है 45 लीटर की, जो कंपनी क्लेम कर रही है वो कर रही है हमारा 20 लीटर का हाईवे पर माइलेज, जो कि हमें इसमें आपको 20 पर लीटर इसमें हमें एवरेज मिल जाएगा। इंसुलेशन मैट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, चार सिलेंडर ऑलरेडी हैं, पेट्रोल टाइप इसका इंजन है तो बिल्कुल जो एनवीएच लेवल है बहुत आपके इसके साइलेंट मिलेंगे, कुछ भी इसमें आपको नॉइज और वाइब्रेशन जैसी कोई चीज़ इसमें फील नहीं होगी। भाई यही था आज का हमारा वरना का, ठीक है, जो हमारा टोटल रिव्यू था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को भी बोलो कि भाई कमेंट करें, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है, और ऐसे ही हम जल्दी जल्दी वीडियोज लाते रहेंगे। वरना का भी मैं अपना एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास डिमांड आ रही थी कि वरना का ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेके आओ, और जो वर्ल्ड स्केल राइवलरी है कॉम्पिटिटर है स्लाविया हो गई, होंडा सिटी हो गई, वर्थस हो गई, उनके साथ कंपैरिजन वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी प्लीज लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, हमारी वरना 2023 हमारा मॉडल है। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी अच्छे कंटेंट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।